हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ डिफरेंशियल्स इन फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंशियल्स का यूज़ करेंगे। ये आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है। यूज़ ऑफ डिफरेंशियल्स इन फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो मान लीजिए आपके पास फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो x के अंदर अगर चेंज आपके पास x प्लस डेल्टा x होती है, तो y के अंदर करस्पॉन्डिंग चेंज जो है वो डेल्टा y हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ के अंदर आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये मान लीजिए ये आपके पास x है, और यहाँ से थोड़ा सा आगे हम कोई लेते हैं वैल्यू जो है डेल्टा x आगे, तो मतलब ये पॉइंट जो है वो आपके पास x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आपके पास ये आपका ये वैल्यू y है और ये y प्लस डेल्टा y है। तो अब आप क्या करते हैं कि एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो दैट विल बी द एरर। ये आपके पास एरर है, जो इस तरीके से मेथड को इवेल्युएट करते हैं हम डिफरेंशियल्स का यूज करते हैं, तो उसमें ये एरर रह जाता है। तो उस एरर की ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो असल में एक्चुअल वैल्यू जो है वो इस पॉइंट से यहाँ तक जितनी वैल्यू बनती है, ये हाइट जो है वो आपको बताएगी कि ये एक्चुअल वैल्यू है फंक्शन की x प्लस डेल्टा x पे। पर लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जब अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक आपके पास ये वैल्यू आती है, तो इसमें थोड़ा सा ये अंतर रह जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एन एरर। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x है, तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आया आपके पास। ठीक है, y प्लस डेल्टा y में से y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास डेल्टा y बच जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। इधर जो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब आप क्या करोगे, इसको डेल्टा x से डिवाइड करोगे, और राइट हैंड साइड में अगर डेल्टा x जो है वो अगर स्मॉल होता है, ये डेल्टा x यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वाला जो है वो आपका डेल्टा x है, अगर ये डेल्टा x स्मॉल होगा, तो इन दैट केस द राइट साइड इज इक्वल टू द डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा अगर ये डेल्टा x थोड़ा स्मॉल नहीं है तो इतना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप डेल्टा y की वैल्यू लिख सकते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। तो ये वो फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम जितने भी अप्रोक्सीमेशन के सम्स हैं वो हम इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड करेंगे। ये आपका फॉर्मूला है जिसको आपने याद रखना है इस चैप्टर के अंदर। इससे पहले कि हम एग्जांपल करें, कुछ हम टर्म्स का यूज कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या होता है आपके पास, एरर डेल्टा एक्स इन एक्स इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। तो ये एब्सोल्यूट एरर और कुछ नहीं है, ये आपके पास डेल्टा एक्स को ही हम कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा एक्स। एंड देन इज द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर
तो ये आपके पास डेल्टा एक्स ओवर एक्स, तो एक्स के हिसाब से डेल्टा एक्स एक्स में कितना चेंज है, तो दैट इज रेशियो ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर इन एक्स, रिलेटिव एरर इन एक्स। इसके बाद आपके पास परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर तो परसेंटेज एरर जो है वो रिलेटिव एरर को आपने 100 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना है, अगर पूछा जाए कहीं तो हम ये करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 26। एग्जांपल वन, यूज डिफरेंशियल्स टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ डेल्टा सॉरी अंडर रूट 20x। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है यूजिंग डिफरेंशियल्स। तो सॉल्यूशन, चूज करते हैं हम फंक्शन, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। ये हमने हमें कैसे पता लगेगा कि, तो ये हमारे पास जिस क्वांटिटी को हमने इवेल्युएट करना है वहां से हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा कि ये क्या तरह किस तरह का है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये स्क्वेयर रूट किया हुआ है, तो इसका मतलब हमने फंक्शन जो चूज करना है दैट विल ऑल्सो बी अ स्क्वेयर रूट फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद वी टेक टेक एक्स इज इक्वल टू 25 एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखिए कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना हो गया, तो वो आपके पास हो गया 26 हो गया, जो हमें यहाँ चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे हमने इनको चूज करना है। एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 25 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, y will be equal to 25 under root in that case, so that is equal to 5, y की value 5 होगी उस वक्त। एंड ये हमने देखा था कि एरर जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने फॉर्मूला याद करिए, dy वाई बाई डी एक्स दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इनटू डेल्टा एक्स, ये हमने लिखा था। ठीक है, जो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है इनके लिए, तो इसको आप मैं इसको बॉक्स में ही रख देता हूँ फिर आपको, ताकि ये याद हो जाए। तो डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेरिवेटिव इनटू डेल्टा एक्स, तो इसका हम यूज करेंगे। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए आपके पास फंक्शन है अंडर रूट एक्स, तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा इसका 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसके बाद आपने इसके साथ लिखना है डेल्टा एक्स, इसको वैल्यूज पुट करिए 1/2 इंटू, आप एक्स की वैल्यू जो लेंगे वो आपकी 25 लेंगे, तो यहाँ पे आपका 25 का अंडर रूट आएगा, 25 अंडर रूट इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आपके पास आपने देखा था कि ये आपके पास 1 है, तो इसको आप 1 लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1/2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 1/10, और 1/10 जो है वो 0.1 होता है। ठीक है, तो डेल्टा वाई का आपको पता लग गया कि ये 0.1 है, तो इसका मतलब आपके पास 26 का अंडर रूट क्या हुआ, तो 26 का अंडर रूट जो है वो 25 प्लस 1 अंडर रूट, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। अब y कौन सा है, तो y 25 का अंडर रूट है, 25 का अंडर रूट 5 था, और डेल्टा y की वैल्यू अभी हमने इवेल्युएट करी है दैट इज इक्वल टू 0.1, तो देयरफॉर 26 अंडर रूट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 5.1, एंड दैट इज द आंसर। हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं।
यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट ऑफ 0.026 यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट होता है ऐसे लिखते हैं हम इसको यहाँ पे 3 लिखते हैं स्मॉल थोड़ा सही नहीं बना ये क्यूब रूट ऑफ 0.026 तो इसके आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल सॉल्यूशन अब आप इसको देख के क्या बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन हम चूज करेंगे तो लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब रूट जो है वो आपके पास 1/3 पावर है एक्स रेज टू पावर 1/3 तो इसका डिफरेंशियल भी साथ में ही कर लीजिए क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स रेज टू पावर 1/3 -1 ये कौन सा रूल था आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन -1 तो ये हमने इसका यूज किया फॉर्मूले का डेरिवेटिव का तो दैट इज इक्वल टू 1/3 एक्स रेज टू पावर -2/3 ये अपने 1/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -2/3 हो जाएगा और नेगेटिव पावर जो है इसको आप नीचे लिख सकते हैं 1/3 एक्स रेज टू पावर 2/3 और नीचे पावर को वैसे के वैसे रहेगी 2/3 है तो 2/3 रहेगा जस्ट साइन चेंज होगा माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा अब तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है जी अब हमने कितना x को कितना लें तो वो देखिए आप तो x इज इक्वल टू वी टेक x इज इक्वल टू 0.027 ये देखिए आप अब मैंने ये क्यों चूज किया है क्योंकि आपको पता है कि जब आप इसका क्यूब रूट करोगे तो वो 0.3 हो जाएगा ठीक है क्यूब रूट मैं इसका लिख देता हूँ यहाँ पे 0.027 इसका पावर 1/3 जो है दैट इज इक्वल टू 0.3 ठीक है तो ये इसलिए हमने ये चूज किया है तो अब आप देख रहे हो कि ये 0.027 है और यहाँ पे हमारे पास 0.026 है तो इसका मतलब हमने डेल्टा एक्स फिर कितना चूज करेंगे तो अगर ऐसे नहीं पता लगता तो आप उसको जो ये वाली क्वांटिटी 0.026 दिया हुआ है तो इसको x प्लस डेल्टा एक्स मानिए x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.026 अब x की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ हमने जो लिखी है वो हम लगाएंगे 0.027 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.026 तो यहाँ से आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -0.001 तो ये आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू है इसको आपने यूज करना है तो नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ लिखता हूँ अब तो फॉर्मूला लगाइए डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा था डेल्टा वाई की वैल्यू क्या लिखी थी हमने डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ लिखी थी ये तो दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स ये आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू है तो जब आपके पास एक्स की वैल्यू हमने कितनी ली थी तो 0.027 ली थी वो लिखिए अब आप 3 इंटू
0.027 रेज टू पावर 2/3 इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जो है वो आपके पास है 0.001, तो माइनस 0.001 ये आप लगाएंगे और इसको करेंगे अब सिंप्लीफिकेशन इसकी। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकती है, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू, अब इसका क्यूब रूट हमने देख, इसको देखो ये है 2/3 पावर, तो इसका पहले 1/3 करेंगे और फिर उसका स्क्वेयर करेंगे, तो 1/3 पावर जो है दैट इज इक्वल टू 0.3, तो 0.3 और इसका स्क्वेयर, और साथ में हमने करना है माइनस 0.001 ये वाला, तो इसको आप देखिए क्या बनेगा, तो दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 0.09 इंटू माइनस 0.001। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/270। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आप 1/1000 लिख लेवें, इसको 9/100 लिख लेवें और कैंसिल कर देवें जीरोस, और आपके पास ये बच जाएगा डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये आपका आपका डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई की वैल्यू है तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, बाकी का जो है वो इरेज कर देता हूं। तो हमने क्या था, हमारे पास था डेल्टा वाई इज इक्वल टू -1/227 और इसका अगर डेसिमल वैल्यू देखी जाए तो ये है जी आपके पास 0.027 की वैल्यू लिखनी है हमने, तो 0.026 और इसका क्यूब रूट दैट इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस मच, और वाई की वैल्यू जो थी वो आपके पास 0.3 थी, ये हमने देखा था 0.3, और इस डेल्टा वाई की वैल्यू जो थी वो -1/270 था, तो यहाँ पे यहाँ प्लस है और लेकिन ये डेल्टा वाई की वैल्यू नेगेटिव थी तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, या ऐसे कर लीजिए इसको, ऐसे एक स्टेप में ऐसे कर लीजिए और नेक्स्ट में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस सॉरी यहाँ माइनस लगाएंगे -1/200, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/270 और इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास हो जाएगी 0.296। तो ये इसकी वैल्यू है जी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.026 क्यूब रूट, ठीक है, एंड दैट इज द आंसर।